कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद से ही देश भर की कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था, लेकिन अनलॉक वन के बाद से कुछ ट्रेनों के परिचालन को शुरू कर दिया गया है। देश भर में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेल मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला किया है। रेलवे ने कहा है कि 12 अगस्त तक के लिए अभी सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इससे पहले इन्हें 30 जून तक के लिए रद्द किया गया था। हालांकि 10 जोड़ी ट्रेनें जो हाल ही में चल रही हैं वो चलती रहेंगी। रेलवे ने गुरुवार को ऐलान करते हुए कहा है कि पैसेंजर, मेल एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनों को 2 अगस्त तक के लिए रद्द कर दिया गया है। इस दौरान जो भी टिकट बुक किए गए हैं उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। यात्रियों को टिकटों के बदले पूरा रिफंड दिया जाएगा। टिकट काउंटर से यात्री अपना टिकट दिखाकर रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन बुकिंग टिकटों की राशि उनके खाते में सीधी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। रेलवे ने साफ कर दिया है कि राजधानी और अन्य विशेष ट्रेनें बिना किसी भी रुकावट के सुचारू रूप से चलती रहेंगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अधिक जानकारी के लिए लाइव इंडिया ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।